हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबी कुकिंग। आज मैं आपके साथ मटन की बहुत ही अच्छी रेसिपी सब शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम अक्सर ढाबे पे जाके ट्राई करते हैं। आज हम ढाबा स्टाइल मटन करी बनाएंगे। ढाबा स्टाइल मटन करी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, और देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी फ्रेंड्स से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट करेंगे, और जो सामान हमें मैरिनेट के लिए चाहिए हम उन्हें देख लेंगे। इसके लिए हमने आधा किलो मटन लिया है, मटन को अच्छे से धो लिया है, और 4-5 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के। इसको इस तरीके पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है, और जो 300 ग्राम प्याज है। मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच नमक, जहाँ स्वाद के अनुसार नमक ले सकते हैं, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दोनों को मिला के मैंने ले लिया है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, और तेल लिया है हमने। और इसे हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। प्याज डाल देंगे मटन में, नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और 2 बड़े चम्मच हम इसके ऊपर तेल डालेंगे, और इसे हम फोक की मदद से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, अब हम इसे ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे, और बाकी का जो सामान हमें चाहिए तड़के के लिए उसे भी हम देख लेंगे। 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, इसको बारीक काट लिया है, और 1 बड़ा चम्मच हम तेल का लेंगे, 1 बड़ा चम्मच मटन मसाला लिया है, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 हरी मिर्च ली है, इसको बारीक काट लिया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच जीरा, और कुछ साबुत मसाले लिए हैं, 1 स्टिक्स दालचीनी की है, 3 तेज पत्ता है छोटे साइज़ के, अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 ले सकते हैं, 1 मोटी इलायची, 4 हरी इलायची, आधा फूल जावित्री का है, 4 लौंग और 10-12 काली मिर्च। कुकर रख दिया है हमने गैस के ऊपर, 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे, तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे, जीरा डाल देंगे और साथ में ही साबुत मसाले डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। टमाटर डाल देंगे, टमाटर को नरम होने तक पका लेंगे। देखिए टमाटर हमारा नरम हो गया है। हरी मिर्च डाल देंगे इसमें और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। मटर को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो गया है, मटर को अब हम तड़के में डाल देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और 4 से 5 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से मसाले में ही पकाएंगे। देखिए 5 मिनट तक हमने इसे इसी तरीके से मसाले में भून लिया था मटन को, अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। दो कप पानी डालेंगे हम इसमें। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और कुकर का ढक्कन लगा के हम 6 से 7 सीटी लगाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखेंगे। देखिए मटन को हम एक बार चेक कर लेंगे, 8 से 10 विसल हमने लगाई और इसे कम से कम 45 मिनट हो गए हैं पकते हुए,
और अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे कि मटन हमारा अच्छे से गला है या नहीं। देखिए मटन हमारा अच्छे से गल गया है, और अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला रखा हुआ है वो डाल देंगे, मटन मसाला डाल देंगे और कसूरी मेथी को डाल देंगे हाथों से हल्का सा क्रश करके, और थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसे और 1-2 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। देखिए मटन हमारा तैयार हो गया है, गैस बंद कर देंगे और इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए ढाबा स्टाइल मटन करी बनके हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मटन करी बनके तैयार हुई है। खुशबू तो इसकी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, और आप इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई करें। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, नान के साथ बना के सर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसे बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।